तो ऐसा क्या हुआ कि लोग टिकटॉक डिलीट करने लगे अपने मोबाइल से और उसको जो रेटिंग है वो 1 स्टार रेटिंग देने लगे। जो एप्लीकेशन अभी तक 5 स्टार रेटिंग पे था कुछ दिन पहले तक, और वो अब 2 की रेटिंग पे आ गया है। टिकटॉक डिलीट करने वाले पहले सुन लें कि कई सारे एप्लीकेशन वो यूज़ करते हैं जो उनके मोबाइल में है वो चाइना ने बनाए हैं, जैसे कि शेयर इट चाइना ने बनाया है। यूसी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, वो भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है। हेलो लाइक और उस तरीके की काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो आप लोग यूज़ करते हैं वो चाइना से ही चल रही हैं, तो उनको भी डिलीट करना चाहिए। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके? आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए ये टिकटॉक का एप्लीकेशन है और ऐप स्टोर पे इसकी रेटिंग जो है वो 2 स्टार की हो गई है, जो कि आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले 4.5 स्टार की थी। जैसे कि आप सबको पता है कि टिकटॉक के खिलाफ लोगों का गुस्सा बिल्कुल भर भर के सामने आ रहा है, बिकॉज 2 कारण है उसके। एक तो टिकटॉक चाइनीज़ एप्लीकेशन है और चाइना ने कोरोना फैलाया है पूरे देश में और पूरी दुनिया में, तो लोग गुस्से में हैं, टिकटॉक को डिलीट कर रहे हैं। और दूसरा कारण है 2 कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई, यानी कि टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसके सपोर्ट में लोग टिकटॉक को डिलीट कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिएगा एंड तक, क्या टिकटॉक को डिलीट करने से कुछ फ़ायदा होने वाला है? क्या टिकटॉक को डिलीट करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है अब चाइना को दबाने का, या फिर हम सब बस इन्फ्लुएंसर्स की गेम में आकर के टिकटॉक को डिलीट कर रहे हैं? मैं आप लोगों से भी राय जानना चाहता हूं कि आप टिकटॉक को डिलीट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या फिर क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं अपनी पर्सनल राय भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टिकटॉक के खिलाफ गुस्सा, चाइना के खिलाफ गुस्सा उसको नुकसान देगा या उसको कहीं फ़ायदा ही पहुंचा देगा? क्या टिकटॉक डिलीट करने से ही आपका देश प्रेम दिख रहा है? देखो, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और हर चीज़ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की चीज़ें हैं, तो हमें नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना है, नेगेटिव चीज़ों को बैन करना है, ना कि उस एप्लीकेशन के खिलाफ हमें उसको बैन करने की मांग करनी चाहिए। माना कि टिकटॉक जो है वो चाइनीज़ ऐप है और सारा रेवेन्यू टिकटॉक से चाइना में जा रहा है और हम चाइना को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ सिर्फ टिकटॉक ही नहीं है, और भी ऐप्स हैं। और चाइना के आप काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, अगर आप अपने आसपास देखेंगे कि आपके हाथ पे जो घड़ी है वो भी चाइनीज़ हो सकती है, आपके पास मोबाइल है वो भी चाइनीज़ है, और आपके घर में टीवी है क्या वो भी चाइना का तो नहीं है, और आपके घर में जो LED बल्ब लगा है वो भी चाइना का ही बना हुआ हो सकता है। तो क्या आप सब उन सभी चीज़ों का त्याग कर देंगे? देखो, कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता। चाइना अपने यहाँ पर सिर्फ अपनी ही बनाई हुई चीज़ें यूज़ करता है, वो बाहर के देशों को पैसा नहीं देता, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस की बात हो या फिर और कोई चीज़ की। वो YouTube और Google जैसी एप्लीकेशंस भी नहीं यूज़ करता है, उसके वहाँ पे अपनी ही एप्लीकेशंस है और वही यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग TikTok यूज़ कर रहे हैं और आज TikTok डिलीट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि चाइना के पास हमारे यहाँ से पैसा जाना बंद हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चाइना से आती हैं, चाइना यहाँ बेचता है, यहाँ तक कि इंडिया में बनने वाली मेडिसिन का 70% सामान चाइना से ही आता है। तो लड़ाई झगड़ा नफरत अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह है, वो सब चीज़ें बंद कभी होने नहीं वाली हैं। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं और सब चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने और हम सब चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भारत में ही बना सके, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। कुछ लोग तो सोच रहे हैं बस टिकटॉक डिलीट करने से ही उनकी जीत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टिकटॉक डिलीट कर रहे हैं, उसके खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आ रहे हैं। कई सारे इन्फ्लुएंसर ऐसा करके दिखा रहे हैं, इसीलिए आम लोग भी वैसा ही कर रहे हैं और टिकटॉक को अपने मोबाइल से डिलीट कर रहे हैं और प्ले स्टोर पे उसको 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। हालांकि इंडिया ही सबसे बड़ी मार्केट है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, इंडिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर ही हैं। तो अगर इंडियंस किसी चीज़ को यूज़ करना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी चाइना की हो या अमेरिका की, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन इन सब के बीच शायद जो लोग टिकटॉक नहीं यूज़ करते थे वो लोग भी टिकटॉक डाउनलोड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली टिकटॉक की पब्लिसिटी भी आप सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमें टिकटॉक के खिलाफ गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, हमें उस पर उपलब्ध नेगेटिव कंटेंट के खिलाफ गुस्सा दिखाना चाहिए और उसे इग्नोर करना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। आज जो इन्फ्लुएंसर बहुत भारतीय बनके दिखा रहे हैं और चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को डिलीट करके दिखा रहे हैं आपको अपने मोबाइल में, यही सारे इन्फ्लुएंसर पिछले 5 साल से 6 साल से लगे हुए हैं दनादन मोबाइल के रिव्यू कर रहे हैं MI के चाइनीज़, और आपको बोल रहे हैं जाओ खरीदो, इससे बढ़िया मोबाइल नहीं है, ओप्पो वीवो MI ये सब चाइनीज़ कंपनियाँ हैं, और इन सब के रिव्यूज़ पेड रिव्यूज़ भी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि जाओ खरीदो, उन कंपनियों के मालिकों के साथ बैठ के मीटिंग भी करते हैं, आपके सामने वीडियोज़ भी बनाते हैं।
वही इन्फ्लुएंसर आज टिकटॉक डिलीट करके दिखा रहे हैं आपको, इसीलिए आप सबके माइंड में आ रहा है कि टिकटॉक डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन आप लोग अपना दिमाग लगाओ, आपको टिकटॉक से कुछ फायदा है, एंटरटेनमेंट मिलता है तो यूज करो, आपका मन है, नहीं है तो आप डिलीट करो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस पूरी गेम के बारे में आपको पता होना चाहिए और शायद आपको पता लग गया होगा। वैसे टिकटॉक मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है, इसी बात पे एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।